आशा का मान कब से जुड़ रहे होते? ये 1997 में हमने संस्था शुरू की थी, आशा का झरना संस्था, सबसे पहले नवगढ़ में शुरू की थी। तीन जगह जो था, विश्व विकलांग दिवस था जो पूरे विश्व में सभी देशों के अंदर में, सभी 200 देशों के अंदर मनाया जाता है। विकलांगों के, दिव्यांगों के जो अधिकार हैं उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है। हम लोगों ने एक समावेशित बाल उत्सव, इंक्लूसिव चिल्ड्रन फेस्टिवल आज रखा था यहाँ पर। हेलो राम राम जी, मैं केसर एस के संदेश चैनल पर था, बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल पर नया हो, चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में घंटी को बटन अभी भी दबा दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आ तो मेरे को नोटिफिकेशन सबसे पहले थाने मिले। और आज आप 3 दिसंबर ने एक उत्सव मनाया जा रहा है जो दिव्यांग और विकलांग कई बच्चा हुए हैं जखों के लिए, तो अपने साथ में है सर और सरसों बातचीत कैसे कड़ा से जुड़ रहे हैं कताल तीन सौ कमाए मतलब हैं। और सर आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। आप मतलब इस संस्था का मान कब से जुड़ रहे होते? ये 1997 में हमने संस्था शुरू की थी, आशा का झरना संस्था, सबसे पहले नवगढ़ में शुरू की थी, उसके बाद झुंझुनू में हुआ 99 में, और 2000 के अंदर में सीकर में शुरू हुई। अभी हमारे 3 स्कूल हैं, विशेष स्कूल हैं आशा का झरना के नाम से, जिसमें 225 के करीब बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, विशेष बच्चे जो कि मानसिक विबंधित और मूक बधिर बच्चे हैं वही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नवलगढ़ में और सिकर में भी ले लिया और झुंझुनू में भी, मतलब तीन ही जगह है क्या? तीन जगह जी। तो मतलब आज जो प्रोग्राम रखा था इसमें क्या क्या कुछ? आज जो था विश्व विकलांग दिवस था जो पूरे विश्व में सभी देशों के अंदर में, सभी 200 देशों के अंदर मनाया जाता है। विकलांगों के, दिव्यांगों के जो अधिकार हैं उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि एक्ट जो है कानून वो सभी तरह के उनको अधिकार देता है। दिव्यांगों के वो सभी अधिकार हैं जो एक सामान्य इंसान के होते हैं, उसको हाईलाइट करने के लिए दिवस मनाया जाता है। तो इसके अंदर में हम लोगों ने एक समावेशित बाल उत्सव, इंक्लूसिव चिल्ड्रन फेस्टिवल आज रखा था यहाँ पर। उसके अंदर में हम लोगों ने सामान्य स्कूल के जो बच्चे और विशेष बच्चे, इन सभी के बीच के अंदर में पूरे दिन भर की कई गतिविधियाँ आयोजित की थी, जिसके अंदर में स्पोर्ट्स के इवेंट थे, करीब 20 के स्पोर्ट्स इवेंट थे, जिसमें 50 मीटर रेस, 100 मीटर रेस, ऊंची कूद, लंबी कूद, चम्मच दौड़, म्यूजिकल चेयर, जलेबी दौड़, पेंटिंग, 3 टांग की रेस, ये सब हमने किया था, जिसमें सभी में विशेष बच्चे और सामान्य बच्चों ने बराबर की भागीदारी निभाई, बराबर की सहभागिता निभाई। उसके बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, फैशन शो हुआ, रैंप और कैटवॉक हुआ, और सभी बच्चों को पार्टिसिपेशन किया गया। स्कूल के अंदर क्या क्या सुविधा रहती है जो विकलांग बच्चे, विशेष बच्चे जो होते हैं उनके लिए जो सुविधाएं होती हैं, जो मानसिक विबंधित बच्चे होते हैं उनके जो विशेष शिक्षक होते हैं, उन्होंने इसी फील्ड के अंदर में पढ़ाई की होती है तो वो उनको विशेष शिक्षा देते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो उनको थेरेपी करवाते हैं, चलने की प्रैक्टिस कराते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं वो उनको बोलने की प्रैक्टिस कराते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षक जो होते हैं उनको वो व्यावसायिक प्रशिक्षण देते हैं, जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। और टीचर यहीं के हैं या बाहर? टीचर सभी बाहर के हैं, कुछ लोकल भी हैं जिनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दिलवाई है, बाकी अधिकतर टीचर्स बाहर के हैं जिन्होंने। कौन सी जगह से बाहर? यूपी के हैं हमारे पास में, महाराष्ट्र के भी हैं, राजस्थान के भी, मैं सीकर से जिले से बाहर के, गंगानगर के, हनुमानगढ़ के, वहाँ के, हरियाणा के भी हैं। ज़्यादातर फैकल्टी बाहर से ही हैं। हाँ जी। हैं तो वो मैम यहाँ पे भी मौजूद हैं क्या अभी? हाँ अभी तो जैसे वाइंड अप है, आप देख सकते हैं ये स्टाफ ही, मतलब मेन तो आप ही हो उसमें। हाँ, मैं फाउंडर मेंबर हूँ। आपने शुरुआत किया 97 में, हम लोग ने शुरू किया था, फाउंडर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष हैं। अच्छा। मतलब बाल कल्याण समिति हर जिले के अंदर में जो होती है वो बच्चों के लिए सबसे सुप्रीम यही होती है, मतलब बच्चों के लिए सही करती है, जो जैसे कि अनाथ बच्चे हुए या गुमशुदा बच्चे हुए या किसी के साथ में कोई यौन शोषण हुआ है, इस तरह के बच्चे हुए, उपेक्षित बच्चे हुए, वो बच्चे जब पुलिस को या चाइल्ड लाइन को मिलते हैं या किसी को मिलते हैं तो इनके सामने प्रोड्यूस किया जाता है। ये उसके लिए देखते हैं कि इस बच्चे को कहाँ भेजा जाना चाहिए, अगर उसको मेडिकल की ज़रूरत है उसका इलाज के लिए हम भेजें, पुलिस में FIR करवानी है तो उसका ऑर्डर देंगे, और अगर उसका कोई घर बार नहीं है तो शेल्टर होम जो आश्रय स्थल बने हुए हैं वहाँ पर उसको भेजेंगे। बात और जो अनाथ बच्चे हैं उनको गोद देने की कार्रवाई वो भी ये करते हैं। बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद जी। आपका परिचय दे दीजिए पहले तो। मैं डॉक्टर मधु आर्य, बाल कल्याण समिति सीकर के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ अभी। मतलब आप हो कहाँ से? मैं सीकर से ही हूँ। सीकर से हूँ। और मतलब अध्यक्ष पद पे कब से हो? अध्यक्ष पद पे 3 महीने हुए हैं मुझे अभी ज्वाइन किए, 15 अगस्त को हम लोगों को अपॉइंट किया गया था। आज कैसा लग रहा है यहाँ पे कार्यक्रम को देखकर, और यहाँ बच्चों, दिव्यांग बच्चों को देखकर और उनके प्रति यहाँ विभिन्न संस्थाओं द्वारा उन बच्चों के प्रति लगाव, हाँ बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा था। वो जो मतलब प्रोग्राम हो रहे थे वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं कार्यक्रम में, जितने मतलब बच्चों में काफ़ी सुधार होता होगा इस चीज़ मतलब प्रोग्राम, बहुत सुधार होता है। प्रशिक्षण प्राप्त जो उनका स्टाफ है
वो यहाँ बच्चों को बहुत अच्छे से मेहनत करवाता है और उनको उन चीज़ों के बारे में सिखाता है जो एक सामान्य बालक को सीखने में लग जहाँ 5 मिनट लगते हैं किसी चीज़ को सीखने में, इनको 1 घंटा लगता है सीखने में या ज़्यादा लगता है या कम लगता है, समय की वो यहाँ पाबंदी नहीं है। तो टाइम तो काफ़ी लगता होगा बच्चों को सिखाने में, बच्चों को समझाने में, समझाने मुख्य धारा से जुड़ने के लिए जो समय चाहिए उस समय लगता है। मतलब इस मुहिम के लिए जुड़ने के लिए और औरों को मतलब जो आप दूसरा भी कमाने जोड़ रहे हैं, हाँ बच्चा भी जोड़ रहे हैं, हाँ अभी के लिए भी बहुत मतलब आभार है सर क्या कैसा वगैरह कर रहे हो कोशिश से, तो बहुत बढ़िया चीज़ लग रही है। इसलिए इतना कर सकते हैं आप लोग भी इतना कर सकते हैं कि कोई बच्चा है जिसका पेरेंट्स नहीं ध्यान रख पा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जरूरी नहीं है कि दिव्यांग बच्चों की जो समस्याएं वो समझे, नहीं समझ पा रहे हैं तो वो इन सब संस्थाओं से उन बच्चों को जोड़ने की जोड़ना चाहिए बच्चों। हाँ जी, अभी अपना आस पास में भी हुआ है कोई बच्चा तो बन भी अपन जोड़ कर मतलब पूरी कोशिश करनी चाहिए आपको, और जहाँ आपसे संभव नहीं हो तो वो आप बाल कल्याण समिति या बाल अधिकारिता विभाग को उससे अवगत करें तो हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे उनको जोड़ने की। धन्यवाद, शुक्रिया। आपका परिचय दे दो के लिए। मैं प्रमिला सिंह, चाइल्ड काउंसलर इधर सीकर और जयपुर में। तो बस मैं यही कहना चाह मैं बस यही बात कहनी चाहूँ थाने कि जो बच्चे हैं वो हमारी विरासत है, बच्चे हमारी विरासत हैं, बच्चे बच्चा को नहीं हमारी विरासत है, और अगर ऐसे बच्चों को जो जाके खुद को नहीं देखभाल कर सके, जिनके माँ बाप भी कई बार छोड़ छोड़ चले जावे, उन बच्चों की अगर देखभाल आशा का झरना जैसे एनजीओ कर रहा है तो मैं मानूँ कि तो बस ईश्वर ने घने घने धन्यवाद शुक्रिया। और मैं बच्चों की जो काउंसलर होते हैं टाबर की, जो काउंसलर मतलब जो टाबर अब की करने हुए हर स्कूल में क्या करने है, क्या मुसीबत है, क्या उसके ऊपर परेशानी है, खाना नहीं खा रहा तो क्यों नहीं खा रहा, अगर कुछ उसका व्यवहार चेंज हुआ है तो क्यों चेंज हुआ है, बने कोई कोई दिक्कतों को नहीं आ रही, कोई उन्हें कोई बुरी बात तो को नहीं कह रही हो या कोई ऐसे अपराध तो को नहीं हो रहा जो हम वो किसी ने को नहीं कह सको, तो बी की खातिर हम इसमें ऐसे चाइल्ड के पास जावें और उनकी समस्या का समाधान करके बने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें हैं। तो बस यही मैं सनत कहना चाहूँ कि है सभी की जिम्मेदारी है, माँ की भी जिम्मेदारी तो है ही है था कि सभी की है, कभी कोई ऐसा था ना टाबर दिखो जी तो गुमसुम रह है, बात को नहीं करे, अपने कमरे में रह है और खाना भी को नहीं खावे, थे प्लीज़ मने या किसी भी आशा का जन किसी भी चाइल्ड समिति के सदस्य को इसकी सूचना अवश्य देवें। और धन्यवाद आज सभी का जो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, भगवान ईश्वर सब था ने सगले बच्चों ने खूब 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 खुश रखे, स्वस्थ रखें। ये थनक सीख लाग रही है, ई वीडियो में तरह सुझाव जरूर दीजिए। और एक कमान में मतलब सुबह सो जखा बच्चा ही मतलब दिव्यांग बोल दिया, विकलांग बोल दिया, कई मंदबुद्धि भी हुए बहुत सा बच्चा ही, तो कई संस्थान है जखा मतलब 15-16 संस्थान है जखा ने ए जगह किया और बंग मतलब के एक उत्सव रखे गयो, भी कमान कई बच्चा का खेल की प्रतियोगिता हुई, कई सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करे गयो, तो भी कमान भी मतलब भी बच्चा ने मंदिर सेकंड साइड था ये थर्ड के अंदर में वात्सल्य धाम से लक्ष्मण फर्स्ट आए हैं, लक्ष्मण वात्सल्य धाम जोड़कर कस्तूरबा सेवा संस्थान से साहिल सेकंड है, अब्दुल नदीम थर्ड है। ज्ञान भारती स्कूल की के देवेश फर्स्ट आए हैं, ज्ञान भारती स्कूल से देवेश आ जाएं, ज्ञान भारती। और श्री करनी प्राथमिक विद्यालय जो शैतान सिंह जी चला रहे हैं कच्ची बस्ती के बच्चों के साथ में काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं देवेश। रोहित है परमात्मा आश्रम से। अब एक जो था और ये समावेशन था तो दो दो बच्चों के नाम हम अनाउंस करेंगे, विशेष बच्चे सामान्य बच्चे, नवगढ़ की सादिया बिल्कुल आए।